हेलो डियर, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी में डबल कर दूंगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्रेशर्स के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी जिसमें नो प्रेशर रहेगा। टारगेट तो देखो हर कंपनी में रहता है, टारगेट के बिना तो आजकल जीवन ही नहीं चल रहा है। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी टारगेट है, हर जीवन में हर जॉब में टारगेट होता है, लेकिन प्रेशर मेन होता है कि टारगेट दे, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट से तो हम तो टारगेट तो ऐसे ही वह अचीव कर लेंगे, लेकिन प्रेशर ना दे। टारगेट दे, हाँ सर इस महीने आप 15 कर लो, 20 महीने कर लो, लेकिन क्यों नहीं किए, कैसे नहीं हो रहा है, नहीं होता है तो जॉब छोड़ दो, ये सब जिस कंपनी में नहीं होता है मैं उन कंपनी का नाम लूँगा और फ्रेशर के लिए लूँगा। क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो तो आप जॉब स्विच नहीं कर सकते, या फिर आप स्विच भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं नाम लेना चाहूँगा, सबसे बेस्ट है अगर आप नो प्रेशर जॉब करना चाहते हैं, और टारगेट तो रहेगा लेकिन नो प्रेशर जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे प्यारा जॉब होता है जॉब होगा आपका लीलैंड कंपनी में। लीलैंड फाइनेंस में आप जॉब करेंगे। उन लोग वो ज़्यादातर सीवी का अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का करते हैं और बड़े बड़े लोन करते हैं, ठीक है। उस कंपनी में जाएंगे तो आपको नए लोगों को काफ़ी आपको सपोर्टिव स्टाफ मिलता है, सपोर्टिव बीएम होते हैं, यंग बीएम होते हैं ज़्यादा। वो कंपनी और से ही मार्केट काफ़ी जमा हुआ है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो वो ज़्यादा प्रेशर नहीं करते। ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, होम कस्टमर उनके ज़्यादा हैं, तो आपको ऑफिस में बैठे बैठे काम करना है। और वहाँ मेरे दोस्त लोग काम करते हैं, तो उनको देख के उनके चेहरे की खुशी देख के लगता है कि मुझको ये लोग प्रेशर में काम नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी आपके लिए हो गई लीलैंड फाइनेंस कंपनी में। आप जॉब ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं के बराबर मिलेगा, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करना चाहूँगा तो आप जॉब कर सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस में, उसमें भी काफ़ी यंग स्टाफ रहते हैं। और मैं भी जब जॉब करता था और अभी भी जॉब करते हैं, और ये काफ़ी यंग लोग जॉब करते हैं, फ्रेशर लोग जॉब करते हैं, तो उससे प्रेशर बहुत। खुद की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक तो खुद की फाइनेंस है, रीफाइनेंस बहुत है, और वहाँ के जो बीएम होते हैं काफ़ी मतलब सुलझे हुए बीएम होते हैं, यंग बीएम होते हैं। तो मेन प्रेशर कहाँ पर आता है, जब कंपनी ऊपर से प्रेशर देती है। तो महिंद्रा में खास बात यह है कि महिंद्रा की खुद की गाड़ियाँ हैं, फाइनेंस तो एक नाम मात्र की खोली हुई है कि मेरे कस्टमर को कहीं और भटकना ना पड़े। मेरे कस्टमर को मेरी गाड़ी को लेना चाह रहा है तो उसको फाइनेंस में प्रॉब्लम ना आए, उसको 10 दिन वेट ना करना पड़ा, उसको 2 घंटे में फाइनेंस हो जाए। तो महिंद्रा में अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रेशर उतना नहीं मिलेगा जितना बाकी कंपनी के अलावा प्रेशर मिलता है, उतना नहीं मिलेगा। कलेक्शन भी ईजी हो जाता है, महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं तो चलती भी बहुत हैं, लेते भी बहुत अच्छे लोग हैं, और महिंद्रा के पिकअप जो लेते हैं उसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा है, तो रिकवरी भी आसानी से हो जाता है और फाइल भी मिल जाता है। प्लस उन लोग प्रेशर नहीं देते हैं, ये मैं आपको डैम श्योर बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड कंपनी आपकी बात करूँगा कि जहाँ पर प्रेशर नहीं है तो है श्रीराम सिटी यूनियन में, ठीक है, बाइक फाइनेंस में प्रेशर में। क्योंकि मैं श्रीराम में था तो बाइक फाइनेंस में देखा, बाइक फाइनेंस के लोग आराम से बहुत इजली काम करते थे, सुबह आते थे, उसके बाद वो एक पान ठेला था, मतलब पान सेंटर बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते थे, दिन भर उनके कस्टमर वहीं पर आते थे। और वहाँ वो काफ़ी मतलब एक तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो काफ़ी बड़ा हैवी है, वहाँ पर तो बहुत बड़े मतलब पर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, लेकिन श्रीराम सिटी यूनियन का छोटा सा ट्रांसपोर्ट है, उसमें जॉब करेंगे तो आपको बाइक तो ऐसी ढड़ले से बिकती है यार, क्या भी प्रेशर करेगा। और बाइक का किस्त भी आप कितना होता है, 1,000, 1.5, 2,000, 3,000, तो किस्त लेने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, फाइनेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। श्रीराम का मार्केट ऑसी बना हुआ है तो वहाँ भी ज़्यादा लोग प्रेशर नहीं देते हैं। वहाँ का जो बीएम होते हैं वो भी एकदम वहीं से उठे हुए वो लोग होते हैं, वो नए बीएम को नहीं लेता है, जो आदमी वहीं पर काम किया 3-4 साल वहीं पर उसी आदमी को बीएम बना लेता है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीराम सिटी यूनियन का बात कर रहा हूँ। श्रीराम सिटी यूनियन में काम करेंगे तो आपको बिना प्रेशर का जॉब मिल जाएगा आपको, और फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेशर के लिए जॉब बता रहा हूँ मैं आपको, हीरो फाइनेंस में काम कर लो, धड़ल्ले से गाड़ी बिकती है। हीरो फाइनेंस की बात, हीरो फाइनेंस तो मार्केट का राजा है यार, वहाँ पर काम करोगे तो क्या भी प्रेशर देगा, आप तो फाइल ही कर इतना, आपको 25 फाइल बोलेगा तो आप 40 फाइल कर दोगे वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ भी प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं होता, कमाई भी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एक और फाइनेंस की बात करूँगा, टाटा फाइनेंस से भी उतना प्रेशर नहीं दिया जाता है जितना बाकी फाइनेंस में दिया जाता है, तो टाटा फाइनेंस में काम करेंगे। खुद देखो, जिस कंपनी की खुद की गाड़ियाँ होती हैं
वो जो ज़्यादा फोकस करती हैं गाड़ियों में, ठीक है। टाटा भी फाइनेंस सोचती है, क्योंकि देखो उनका ब्रांड कार गाड़ियाँ हैं, फाइनेंस क्या, फाइनेंस कौन लिया, क्या लिया, क्या लिया, किसी को पता नहीं है। लेकिन गाड़ी बिकती है ना, तो हाँ ये टाटा की गाड़ी चल रही है, ये महेंद्र की गाड़ी चल रही है, ये हुंडई की गाड़ी चल रही है, ये अशोक लेलैंड की गाड़ी चल रही है, मतलब उनका ब्रांड है, उनको पैसे। अभी इन लोग इतने बड़े आदमी बन गए हैं, टाटा महेंद्र और ये क्या बोलते हैं अपने जितने भी हैं हुंडे वाले हैं, तो क्या बाहर कंपनी है, इन लोग गाड़ियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनका फाइनेंस को मतलब नहीं है। इनकी गाड़ी बिकेगी और फाइनेंस भी इन्हीं के पास होगा, तो इनमें ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल बहुत कम और बहुत देर रहता है, ठीक है। बाकी और एक और कंपनी है अपनी मैग्मा फाइनेंस के बारे में बताया, मैग्मा फाइनेंस भी बहुत कम फाइनेंस करती है, उसका जो रिक्वायरमेंट रेट है इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो बहुत कम फाइनेंस करती है। वो भी जानती है कि इतने इंटरेस्ट और इतने डॉक्यूमेंट में बहुत कम लोग हमसे फाइनेंस करा पाएंगे, तो छोटा मोटा काम करती है, ज़्यादा बड़ा लेवल पर काम नहीं करती है। जितने कस्टमर आए लॉयल कस्टमर आए, और ज़्यादा उनको बड़ा बनाना नहीं है फाइनेंस सेगमेंट को, कि बहुत हम लोग करोड़ों अरबों का फाइनेंस कर दें। उन लोग कम फाइनेंस करते हैं, कम में रहते हैं और आराम से और अच्छे आदमी को फाइनेंस करते हैं। बहुत ही उनका डॉक्यूमेंट बहुत हार्ड होता है, और उसमें फाइनेंस अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको फाइल तो मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके पीछे भागने में और उसको फाइनेंस करने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो उन लोग ज़्यादा प्रेशर देते नहीं है, महीने में 2-4 फाइनेंस कर दिया मतलब काफ़ी है आपका, 2-4 फाइनेंस मैग्मा में तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम है। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो अच्छे पोजिशन में है, जो लगातार टैक्स भरते हैं, जो GST भर का सब कुछ है, तो उनको आराम से फाइनेंस हो जाता है। तो फ्रेशर लोगों के लिए इन कंपनियों में जॉब करना बहुत ईजी है। एक दो कंपनी और हैं जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, एक ही वीडियो में बताता हूं तो आप लोग वीडियो तो एकदम पूरा देखते नहीं है, आधा देखते हैं। तो इन कंपनियों में बता दे रहा हूं मैं आपको, टाटा में है, श्रीराम सिटी यूनियन में है, लीलैंड फाइनेंस में है, ठीक है, और अपना महिंद्रा फाइनेंस में है और मैग्मा फाइनेंस में। इन कंपनी में आप जॉब करेंगे तो आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल ना प्रेशर थोड़ा बहुत, अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो प्रेशर तो आपको तो गवर्नमेंट जॉब में भी देगा। आप SP बन जाएंगे, आप SP बन गए, आप क्या बन गए, आप कलेक्टर बन गए, ठीक है। लेकिन कलेक्टर के ऊपर भी पोस्ट होता है कमिश्नर का, है ना। जब आप काम ही नहीं करेंगे कलेक्टर में तो कमिश्नर बत्ती देगा ही देगा। अगर आप SP हैं, काम ही नहीं करेंगे तो आज ही आपको प्रेशर देगा ही देगा। लेकिन आप अपना जो काम है सुचारू रूप से करेंगे तो आपको कोई प्रेशर नहीं देने वाला, और इन कंपनियों में प्रेशर नहीं मिलता है, लगभग ना के बराबर है। लेकिन मैंने 10-15 साल निकाल लिया इस कंपनी में, मैं चाय इन फाइनेंस लाइन को चाय की तरह घोल के पी गया हूँ, समझे। मेरे को सब कंपनी के बारे में पता है। अब मेरे क्राइटेरिया है, मेरे दोस्त में जितने भी मेरे क्लासमेट हैं, जितने भी सब कुछ है, सब फाइनेंस लाइन में ही है, सब फाइनेंस लाइन में काम करते हैं। तो इन कंपनियों में काम करेंगे, प्लस एक दो माइक्रो फाइनेंस है अपने से, भारत फाइनेंस भी बहुत अच्छी फाइनेंस है, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। अन्नपूर्णा है, ठीक है, L&T फाइनेंस है, इनमें काम करेंगे तो ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और अच्छे से काम कर पाएंगे। बाकी कंपनी आपको जीना हराम कर देंगे, एक दो कंपनी है जैसे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, कि आपको इतना प्रेशर देंगे। लेकिन बाकी आपको प्रेशर मुक्त जॉब करना है तो इन कंपनियों में काम करो, पैसे थोड़े बहुत कम मिलेंगे, नहीं पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे कहाँ मिलेंगे आपको, टाटा फाइनेंस में मिलेंगे, महिंद्रा फाइनेंस में पैसे मिलेंगे। बाकी ये देखो मैग्मा में उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैग्मा में फाइल ही आपको कम मिलेगा, ठीक है। लीलैंड में भी इवन 20-22 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, बाकी में आप अच्छा कमा लेंगे 20-30-40 हज़ार। आपको अगर थोड़े पैसे कम चाहिए लेकिन आपको माइंडफुल रिलीफफुल जॉब चाहिए तो इन फाइनेंस कंपनी में काम करो, आपको प्रेशर नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं रहेगा, महीने के 20-25 हज़ार आराम से कमा ले जाएंगे। ग्रोथ होगा, लेकिन 4-5 साल बाद ग्रोथ होगा, उसके पहले ग्रोथ नहीं होगा। कंटिन्यू लगे रहेंगे आप उसमें तो ही आपका ग्रोथ होगा, और आप एक कोई भी कंपनी में काम करेंगे तो 5 साल अगर नहीं देंगे आप उस कंपनी को, तो आपको तो ऑलरेडी वो कंपनी आपको प्रमोशन देगी नहीं, ठीक है। लेकिन इतना है, आप पीसफुल माइंड, शांतिपूर्ण माइंड में आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, और जहाँ पर पीसफुल माइंड काम होता है तो वहाँ काम भी अच्छा होता है और वहाँ पर ग्रोथ भी अच्छा होता है और काम करने में मज़ा भी आता है, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसा बना हुआ, तो मैं तो फाइनेंस के लिए ही बना था, ठीक है।
तो मेरा मेरा तो अलग बात है, मेरे को प्रेशर दो नहीं दो क्या पता घंटा, मैं तो किसी पर वो भी नहीं करता, क्योंकि मैं जब फाइनेंस में था तो मेरे तो सब दोस्त ही थे यार, मेरे तो सब मेरे स्कूल के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, जो आज जो उस समय BM थे, जो उस समय CM थे, जो उस समय सीनियर थे, सब मेरे दोस्त ही थे। ठीक है, कोई सीनियर था, कोई जूनियर था, कोई मेरे से नीचे वाला था, तो कोई भैया बोलता था, और जो मेरे से सीनियर थे वो मेरे दोस्त ही थे, क्लासमेट थे, तो वो मैं नाम लेके बोलते थे, मैं भी उनको नाम लेके सर और घंटा का नाम, मैं घंटा का भी सर नहीं बोला, मैं बस एक आध बार कभी कोई कॉन्फ्रेंस हो तो सर बोल दिया, बाकी उसके बाद शाम को तो मिलने के बाद जानते हो सब चलने के बाद कहाँ सर, अरे तुम छोड़ो तुम यार, तुम हमको फाइल दो, नाटक मत करो, फाइल वाइल कुछ नहीं मेरे पास, तो ऐसा रिलेशन मेंटेन करके चलो। आप प्रेशर आपको कब नहीं आएगा, जब आप BM से अच्छा संबंध रखोगे, आपको सीनियर से संबंध अच्छा नहीं रखना है, आपको अपने कलीग से संबंध अच्छा नहीं रखना है, आपको BM को पकड़ के चलना है। BM अगर आपके अंडर में है, BM के घर का काम कर दे रहे हैं आप, BM के बच्चों को स्कूल छोड़ दे रहे हैं आप, BM के लिए आप सब कुछ कर दे रहे हैं, BM के लिए जा निछावर कर रहे हैं, BM जो बोल रहा है वो कर दे रही है, BM को कुछ तकलीफ है तो आप उसकी मदद कर दे रहे हैं, BM फंस गया, तो आपको जीवन में कोई कंपनी में आपको प्रेशर नहीं मिलने वाला। प्रेशर कौन देता है? BM देता है, बाकी CM प्रेशर देगा नहीं आपको, क्रेडिट मैनेजर प्रेशर देगा नहीं, सीनियर का घंटा प्रेशर देगा, वो तो खुद सीनियर है, वो कोई बड़े बड़े बात छोड़ना है, आपसे एक पोस्ट ऊपर है। ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उसको मतलब नहीं, वो अपना काम देखेगा, आप अपना काम देखो। मेन प्रेशर देता है BM, प्रेशर देता है। ठीक है, BM को ऊपर से प्रेशर मिलता है, तो लेकिन BM प्रेशर जब देगा, आपसे दोस्ती हो के आप उसके खास आदमी होगे, प्रेशर देगा तो प्रेशर आपको लगेगा नहीं। ठीक है, और फाइनेंस लाइन में एक बात आप नोट बांध के चल लो, प्रेशर सिर्फ मुंह पे होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर आप बहस कर दिए BM से, बहुत ज़्यादा आपको कर दिया, नज़र में गिर गए तो ही आपको BM चिढ़ गया, तो फिर पानी में रह रह के मगरमच्छ से बैर कर लिया, तो फिर आपको वो पानी ही छोड़ना पड़ेगा, वो सागर ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए BM से किसी भी बात में बहस मत करना, जी सर हाँ सर, जी सर हाँ सर, जी सर, बस यही लेके चलना, आपको लाइफ में कभी प्रेशर नहीं होगा। बाकी कुछ भी डाउट होगा, मेरा नंबर आपके पास में, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं रोज़ डेली 50-60 कॉल उठाता हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए लोगों को गाइडेंस करता हूँ, सब कुछ फ्री में, मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ भाई दोस्तों। कभी कभार जो व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उससे इसलिए पैसा लेता हूँ कि मेरे को कि जो ग्रुप में डाल रहे हैं पैसा उनको पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर पैसा क्यों ले रहे हो बोल के, तो मैं अभी ग्रुप में जो जो ज्वाइन हो रहा है मैं उससे पैसा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप 2-3 दिन के अंदर ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते जाते हैं तो एकदम फ्री ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये स्कीम 2-3 दिन तक ही रहेगा। ठीक है, 2-3 दिन में अगर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं तो मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, एक पैसा नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर जाके आप फालतू बात मत करना, क्योंकि लड़कियाँ भी जुड़ी हुई हैं ग्रुप से, और सिर्फ काम की बात करना, जहाँ जहाँ जो पोस्ट आएगा वही पोस्ट आएगा, पोस्ट तो भटे रहता है यार। आपको मैं बोला हूँ ना, आप सबको जॉब लगा के दूंगा, तो गारंटी मैं ले जॉब लगा के दूंगा कैसे भी करके। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ वीडियो बनाना, फाइनेंस के ऊपर बनाना बहुत टैलेंट का काम है। जो आदमी 15 साल 16 साल काम किया वही आदमी डेली फाइनेंस पे वीडियो बना सकता है। मैं फाइनेंस पे 2 वीडियो बनाता हूँ, किसी के बस की बात नहीं है फाइनेंस पे रोज़ एक वीडियो बना दे, मान जाऊँगा उसको मैं। कोई यूट्यूब में ढूंढ लो ना, कोई ऐसा चैनल मिल जाए जो फाइनेंस पे डेली वीडियो बनाता हो, शायद होंगे 1-2, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं देखता नहीं हूँ, दो एक दो दिन छोड़ के या हफ्ते में 2-3 बार डालते हैं। ठीक है, तो मैं बता दिया कि ये एक पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी अगर बोलेंगे तो लाऊंगा, अगर आप देखेंगे नहीं तो मैं लाने को मतलब नहीं है। आप बोलेंगे इसका सेकंड पार्ट और लाइए सर, कि फ्रेशर्स के लिए हैं, ओनली फ्रेशर्स के लिए कौन सी फाइनेंस कंपनी में प्रेशर कम है, टारगेट सब में रहेगा लेकिन प्रेशर कम रहेगा, तो मैं आपके लिए बता दूंगा। तो अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो में नए आप लोगों को हमेशा मैं भूल जाता हूँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और बेल आइकॉन का बटन दबा दो, क्योंकि डेली मेरा वैकेंसी आ रहा है, बता रहा हूँ 11-12 बजे। बाद में फिर बोलते हो सर मैं डाल देता हूँ, उसके बाद बोलते हो सर इसका वैकेंसी आ रहा है, मैं सुबह डाल दिया। आज भी एक मेरे बहुत पुराने कस्टमर है पद्मलोचन भाई, वो बोले थे वो सर उड़ीसा की वैकेंसी डाली, मैं उड़ीसा की वैकेंसी 3 दिन पहले डाल दी हूँ, शायद उनके पास पहुँचा नहीं क्योंकि उन्होंने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, मैं डाल दिया। तो आज बोला सर आपने उड़ीसा की वैकेंसी के बारे में बोला था, आज आपने डाला नहीं, बोला मैं बताया भाई मैं 3 दिन पहले डाल चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर मैं तो वीडियो डाल दूंगा लेकिन आपके पास पहुँचेगा नहीं, क्या मतलब देगा। ठीक है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और अच्छे से काम करो,
बहुत पैसा है फाइनेंशियल लाइन में, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत इतना पैसा शायद ही किसी लाइन में लोग करोड़ों कमा के बैठे हैं। मैं क्या बताऊँ, इतना पैसा मिलता है फाइनेंस लाइन में, अगर आप दिल से मेहनत किए, अच्छे से मेहनत किए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब करने की ज़रूरत है, ना कोई आपके IPS की ज़रूरत है, ना कोई रेलवे एग्ज़ाम की ज़रूरत है, ना कोई टीचरशिप की ज़रूरत है, आपको आराम से इसी लाइन में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी तीन तारीख को पैसा देती है ना, अपना ये जो पुराने लोग हैं उनका 31 तारीख को पहुँचता है, बाकी जो नए लोग हैं उनका 4, 5 या 10 तारीख को सैलरी मिलता है, लेकिन ये फाइनेंस कंपनी में 28 तारीख को तो गवर्नमेंट में भी नहीं मिलता है पैसा, चाहे कलेक्टर रहे चाहे SP रहे, उनको भी 31 तारीख को पैसा मिलता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस में 28 तारीख को पैसा मिलता है और 30-31 तारीख को इंसेंटिव मिल जाएगा। ज़्यादा ही बोलता मैं आपको, इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा, अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो लाऊंगा, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।